इसलिए सत्य प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जनावलभा गिरिवर धारी, जय गोपी जनावलभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बन चारी, यमुना यमुना तीरा बन चारी, यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Jaya Rukmini Dwarkadish, Jaya Rukmini Dwarkadish, Jaya Rukmini Dwarkadish. Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Kundagiri Gurdan Dham ki, Mathura Vrindavan Dham ki, Mahapunavdeep Dham ki, Ganga Mai Jamuna Mai ki, Bhakti Pradani Tulsi Maharani ki, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की, गंगा माता गोस्वामी जी की, गंगा मैया की, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, शिशु गुरु गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गृह्यत् कृपातमं वंदे श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उज्ज्वल दिन है हम सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए। ये जो पताका हम अपने संप्रदाय की बहुत ऊंची ऊंची लेकर के चलते हैं, इस पताका की रक्षा करने वाले महावैष्णव महाभागवत परम भागवत श्री बलदेव विद्याभूषण जी का आज तिरुभाव दिवस है। ये ध्वजा को उन्होंने उस समय ऐसे लहराते हुए बचाया जिस समय बस नैया डूबने वाली थी। बहुत विकट परिस्थिति में संप्रदाय का, मैं भी कथा में बताता हूं। लगभग 300 वर्ष पहले की बात है, राधा कुंड में एक बहुत महान वैष्णव वयोवृद्ध व्यास आसन पर बैठ करके कथा कर रहे थे। ग्रंथ उनके सामने रखे रहते थे, कभी ग्रंथों को छुआ नहीं, बिना ग्रंथ को देखते ही वो सारी की सारी प्रतिदिन कथा किया करते थे। और आसपास से बहुत वैष्णव, बड़े बड़े सुलझे वैष्णव सिद्ध वैष्णव आकर के उनके चरणों में प्रतिदिन सुना करते थे। शाम के समय प्रतिदिन भागवत की कथा या अन्य शास्त्रों से कथा होती थी। बहुत पहले ही आकर के भक्त लोग बैठ जाते थे, एक क्षण भी कथा का व्यर्थ ना चला जाए, मिस ना हो जाए, इस कारण से कि जो स्थिति कथा में होती थी वक्ता की, जिस तरह से वो कथा बोलते थे, जैसी रसमयी कथा बोलते थे, निर्झर बहता रहता था, अश्रु प्रवाह होता रहता था, रोमांच शरीर में रोए खड़े होते रहते थे, इन्हीं के नहीं सुनने वालों के भी। और कई बार कथा करते 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 रोमांच और अश्रु जब बहुत अधिक स्थिति ऊंची तो एकदम स्तंभित समाधि जैसी लग जाती थी, कुछ देर समाधि रहती थी 5 मिनट 10 मिनट, तब तक सब भक्त ऐसे के ऐसे ही बैठ करके प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब समाधि टूटेगी और फिर से निर्जर प्रवाह, फिर कथा का प्रारंभ होगा। तो ये प्रतिदिन की ये स्थिति थी व्यासासन पर वो बैठ करके महान वयोवृद्ध वैष्णव कथा किया करते थे। उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी प्रसिद्धि पूरे के पूरे समाज में सबसे अधिक प्रसिद्धि थी उनकी। तो इसलिए उनका जो कथा का समय था वो कथा तो पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के जब वापस जाते थे कथा सुन करके, तो प्रतीक्षा में रहते थे कि कब ये समय पूरी तरह से जाए और कल फिर वापस आए, फिर कल कथा सुनने का श्रवण का उत्सव मौका प्राप्त हो। तो इस तरह की स्थिति सभी वैष्णवों की थी। आज भी कथा समाप्त हुई, धीरे धीरे सब जिस जिस जगह से जिस जिस आश्रम से आए थे वहाँ जाने लगे। तभी एक भक्त ने आकर के संदेश दिया कि महाराज, जयपुर से महाराजा जय सिंह ने आपके लिए संदेश भेजा है। हाँ लाओ लाओ, वैष्णव महाराज हैं, संदेश क्या है उनका। संदेश लिया, संदेश पढ़ा, संदेश पढ़ते पढ़ते स्पष्ट हो रहा था कि उनके मस्तक पर जैसे थोड़ी थोड़ी चिंता की रेखाएं उकर रही हैं। रख दिया संदेश, संदेशवाहक चला गया दे करके संदेश।
उसके बाद भक्तों के साथ बैठ करके अब चर्चा प्रारंभ हुई। पढ़ लिया दो चार लोगों ने और संदेश, बहुत गंभीर बात लिखी हुई थी संदेश में। लिखा था राजा जी का संदेश था, राजा जय सिंह का, जयपुर से, कि यहाँ पर जो रामानुज संप्रदाय है उनका मेरे ऊपर पिछले बहुत दिनों से जबरदस्त प्रेशर है। इंग्लिश में नहीं लिखा था, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त उनका दबाव है कि ये जो गोविंद जी के साथ आपने राधा रानी लगा रखी हैं, ये राधा रानी कहीं भी शास्त्र सम्मत नहीं है, कहीं भी इनके बारे में चर्चा नहीं है, इनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। एक दूसरा, ये जो पुजारी जो इनकी पूजा करते हैं गोविंद देव जी की, ये पुजारी किस संप्रदाय से हैं, कोई ना जान ना पहचान, कोई लंबा चौड़ा इनका अस्तित्व तो नहीं, कोई स्थायित्व तो नहीं, कुछ नहीं, इनको हटाओ और हम लोग गोविंद देव जी की सेवा करेंगे। और उसके बाद राजा ने लिखा कि मैं उनसे बहुत तर्क किया हूँ, बहुत उनके साथ लॉजिक दिया हूँ, लेकिन वो बार 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 मुझे परास्त कर देते हैं हायर लॉजिक के साथ, हायर तर्क के साथ। यद्यपि मैं जानता हूँ शास्त्र, लेकिन बिल्कुल असमर्थ हूँ मैं स्थिति को संभालने में। अब यहाँ पर बात आ गई है, यदि तुरंत स्थिति को नहीं संभाला गया तो राधा रानी की उपासना गोविंद देव जी के साथ नहीं हो पाएगी, और आप विश्वास मानिए गौड़ीय संप्रदाय को भी अमान्य घोषित किया जा रहा है। अब इतनी बड़ी बात जब सुनी, रूप गोस्वामी पाद के विग्रह हैं गोविंद देव जी, हमारे संप्रदाय के प्राण हैं गोविंद देव जी, राधा रानी गोविंद देव जी की प्राण हैं, हमारी तो प्राण है ही, उनके साथ साथ गोविंद देव जी की भी प्राण है, तो कैसे कोई ये स्वीकार कर लेगा गौड़िये कि गोविंद देव जी के साथ राधा रानी नहीं रहेंगी और गोविंद देव जी की उपासना अब कोई और करेगा। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ा संकट की घड़ी आ गई थी संप्रदाय पर। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी थी कि सत्ता पर ही, संप्रदाय की सत्ता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया था। ये जो वयोवृद्ध वैष्णव थे, इनका नाम था, क्या नाम था इनका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाठ की, चक्रवर्तियों में चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय कथा करके हटे थे वहां से। यद्यपि उनके लिए बहुत कठिन नहीं था स्थिति को संभालना, लेकिन मुश्किल आ रही थी शरीर से कि जयपुर तक मर्सिडीज पे जाना था, उस समय की मर्सिडीज पे जाना था, पैदल यात्रा करनी थी, उतनी देर उतना समय तक उस स्थिति में आयु में जा नहीं पा सकते थे, संभव नहीं था। थोड़ी दूर भी जाते थे तो उनको थकान नहीं हो सकता था कि जयपुर तक चले जाएं, संभव नहीं था। अभी आज की तिथि में अगर देखें तो लगभग गोवर्धन से, राधा कुंड से 200 किलोमीटर तो होगा, कुछ 225 किलोमीटर कुछ जयपुर होना चाहिए। एक बार की बात है, 14-15 साल हो गए, कुछ हो गए, भारत बंद था कुछ दिन, बीच बीच में हाईवे सब रोक देते थे, तो मैं जयपुर गया हुआ था, जयपुर से मुझे वृंदावन आना था गाड़ी से, तो पता लगा कि वो जो आगरा जयपुर हाईवे उन्होंने बंद कर रखा है, जो बंद करने वाले हैं, जो भारत बंद का और सब कुछ रिजर्वेशन का उस समय चलता था, तो रिजर्वेशन कारण सारी बड़े बड़े हाईवे बंद थे, जहाँ भी थोड़ा गुजरों का और उनका प्रताप था तो सब बंद था। तब उन्होंने हमें जयपुर से गांव गांव में अंदर अंदर से निकाल के गोवर्धन निकाला। आप विश्वास मानिए 30-40 किलोमीटर छोटा पड़ता है रास्ता, तो अगर छोटे रास्ते से भी जाएं तो भी 125 किलोमीटर तो चलना पड़ता है। तो इतना डिस्टेंस कवर करना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की बस की बात नहीं थी, शरीर भी ऐसा हो गया था कि अब, लेकिन विकल्प था बहुत
प्रभावी विकल्प सामने था, बुलाया बलदेव, भक्त का नाम था, बलदेव को बुलाया, बलदेव प्रभु यूं तो सन्यासी भी थे, बलदेव जी को बुलाया, संकट सब स्थिति समझ में आ रही थी उनको, तुरंत नियुक्त किया कि निकलना है जयपुर, कहीं ऐसा ना हो कि गोविंद देव जी की उपासना हमारे हाथ से निकल जाए। आशीर्वाद दिया, सभी संप्रदाय की शक्ति जैसे होती है मान करके आशीर्वाद बलदेव जी को मिला। बलदेव जी ने कूच किया, भगवान का स्मरण किया, आचार्यों का स्मरण किया, षड् गोस्वामी का स्मरण किया, गुरुजनों का स्मरण किया, और सबसे अधिक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कृपा अपने हृदय में मान करके मुझे नियुक्त किया, मुझ अधम को, मुझ अयोग्य को नियुक्त किया इतने बड़े कार्य के लिए। सफलता की तो कोई आशा नहीं है, बस एक ही आशा है कि इनका आशीर्वाद विफल नहीं हो सकता है। गुरुजनों का, आचार्यों का जो आशीर्वाद है वो कभी विफल नहीं हो सकता, बस यही एक मन में आशा थी कि इनका आशीर्वाद तो फलीभूत होकर के रहेगा। अपने ऊपर बिल्कुल किसी तरह का कोई योग्यता पर या कोई, चलते चलते अब 3-4-5 दिन तो लगने ही थे, तो रास्ते में कई कई तरह के विचार आ रहे थे, अकेले जा रहे थे, तो व्यक्ति अपनी स्थिति कई बार अकेले में होता है तो सोचता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे जा रहा है, इतना बड़े कार्य दे करके गुरुजनों ने भेजा है, तो पूरा का पूरा अपने जीवन का एक चरित्र उनके सामने जैसे रील की तरह से खिंच गया कि कैसे उड़ीसा में जन्म लिया, एक वैश्य परिवार में जन्म लिया, मेधा ठीक ठाक थी, बुद्धि ठीक ठाक थी, शास्त्रों में रुचि थी, 8-9 साल की आयु में ही शास्त्रों में बिल्कुल पारंगत हो गए, संस्कृत में बिल्कुल, मन में चलता जा रहा था, आज तक की पूरी स्थिति को इवैल्यूएट करते हुए बढ़ते जा रहे थे कि आज तक जो यहाँ पहुँचा हूँ वो आचार्यों की कृपा से ही पहुँचा हूँ, भगवान की कृपा से ही पहुँचा हूँ। तो बड़ा प्रभावित हुआ था मैं, साउथ इंडिया में गया था, उड़ीसा में रेमुना, बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ पर, किनका मंदिर है, गोपीनाथ जी की, शिव चोर गोपीनाथ जी की, गोपीनाथ जी का मंदिर है डिस्ट्रिक्ट बालासोर में, भक्तों ने देखा होगा प्रायः जो गए हैं, पुरी गए हैं उन्होंने उस मंदिर के, बहुत सुंदर दर्शन है। तो भारत भ्रमण कर रहे थे छोटे से, बहुत अधिक आयु नहीं थी लेकिन शास्त्रों में बहुत प्रवीण हो गए थे, बहुत छोटी आयु में ही शास्त्रों में प्रवीण हो गए थे, संस्कृत में, छंद में, गद्य में, पद्य में, ज्योतिष में एकदम प्रवीण, और शास्त्रों में भी बहुत। साउथ इंडिया पहुँचे, वहाँ पर मध्व जी के साथ मध्व संप्रदाय में दीक्षा ली, उसके बाद नाम सुना कि पुरी में, घर के पास ही है, अरे पुरी की तरफ तो किया नहीं, तो पुरी में आना हुआ। तो एक उनका ये रहता था कि शास्त्रों में क्योंकि रुचि बहुत थी इसलिए दूसरों का मत जानना चाहते थे, उसका मत क्या, और दूसरे के मत को कमज़ोर देख करके प्रायः हायर लॉजिक्स के साथ, हायर तर्क के साथ उनको समझा दिया करते थे कि इससे ऊंची बात भी है जो सीख लेनी चाहिए। तो अभी तक तो खूब यात्रा में सबको मध्व संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं तत्ववाद, उससे बहुत सबको बता बता कर बहुत तत्ववाद का प्रचार कर रहे थे। पुरी आए तो पुरी में पता चला कि एक जगह पर एक बहुत विशिष्ट वैष्णव कथा किया करते हैं, उनकी कथा में जा करके बैठे, बहुत प्रभावित हुए उनकी कथा से, फिर सिद्धांतों के बारे में जानने का प्रयास किया, तो सिद्धांतों से तो बहुत ही हृदय से उनके हृदय में ये बात आ गई कि ये तो मैं भी अछूता रह गया था इन बातों से, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज तक ऐसे ही घूम रहा था, वास्तविक स्थिति तो यहाँ पता चल रही है। उसके बाद उन सज्जन का, उन वैष्णव का नाम था नयन आचार्य, यूं समझ लीजिए
कि श्यामानंद ठाकुर और श्यामानंद ठाकुर के नीचे जो उनके शिष्य हैं, कौन है श्यामानंद जी के शिष्य? रसिकानंद जी। रसिकानंद जी के बड़े प्रिय शिष्य थे नयनानंद जी। तो नयनानंद जी से जब उन्होंने जीव गोस्वामी पाद का षड संदर्भ सुना तो वो तो एकदम पागल हो गए, उनके चरणों में लौट गए, मुझे दीक्षा चाहिए आपसे, संन्यास हो गया था, या समझो कि लगभग उस स्थिति में थे घूमते घूमते कि बहुत ऊंची स्थिति में, वैष्णव स्थिति में सन्यासी जैसे हो गए थे, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। तो नयनानंद जी ने एकदम मना किया कि तुम थोड़ा शास्त्र का सिद्धांत समझो भैया, कि तुम प्रसिद्ध संप्रदाय से दीक्षित हो, वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हो, इसी में रहो, यहाँ की शिक्षा लेते रहो। जब बहुत समय तक श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की बहुत समय तक जब अच्छे से उन्होंने सभी वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन किया, विशेष तौर पर जीव गोस्वामी पाद के ग्रंथों का, रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथों का, तो उनको पता चला कि एक बहुत महान वैष्णव हैं जो इस समय वृंदावन में रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, गोवर्धन राधा कुंड में रहते हैं, उनके पास जा कर के अगर शास्त्रों का ठीक से विवेचन नहीं सुना तो मनुष्य जीवन, वैष्णव जीवन बिल्कुल बेकार है, कोई लाभ नहीं है। तो एकदम उनकी तो उत्सुकता हो गई, यद्यपि चाहते थे कि थोड़ा बंगाल को टच करते हुए, मायापुर से होते हुए, महाप्रभु के बारे में अभी अभी सुना था, सब सुना था, लेकिन मन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के चरणों में पूरी तरह था। तो बहुत, जैसे बोलते हैं कि टिक मार्क करने के लिए मायापुर आए कि दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन मन था राधा कुंड में जा करके और विश्वनाथ जी के चरणों में बैठ करके भगवान के बारे में सुनना है, इन तत्वों को, इन रस तत्वों को अच्छी से समझना है। तो पहुंचे वृंदावन, राधा कुंड आए, गोवर्धन आए, बहुत सुंदर मन में देख ही रहे थे, इनके बारे में पता लग भी गया था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के बारे में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को अपने साथ ही रखा, बहुत स्नेह दिया, शास्त्रों में बिल्कुल, वैष्णव शास्त्रों में, गौड़ीय शास्त्रों में बिल्कुल इनको उत्तर स्नातक उत्तर बना दिया, बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। तो वो जानते थे कि ये जो बलदेव विद्याभूषण है यही वास्तव में इस समय उपयुक्त है। तो चलते चलते बलदेव विद्याभूषण अपनी पूरी यात्रा का, अभी तक जो 25-30 वर्ष की यात्रा हुई थी, किस तरह से परिवार में थे, किस तरह से फिर साउथ इंडिया में जुड़े, किस तरह से उड़ीसा में आए, पुरी में आए, और अब बहुत समय से यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं, लेकिन दिनों दिन भगवान के चरणों में जो प्रीति है, दिनों दिन भगवान के चरणों में जो प्रेम है, वो बढ़ता जा रहा है। तो आचार्यों की बहुत कृपा मान करके, बहुत कृपा मान करके कि अब इस काम पर लगा हूँ, अब इस काम पर लगा हूँ, पता नहीं क्या होगा, वहाँ जाऊँगा, कैसे होगा, क्या होगा। चलते चलते विचार करते करते, प्रार्थना करते हुए, गुरुजनों को, भगवान को प्रार्थना करते हुए जयपुर में प्रवेश कर गए, जयपुर में पहुँच गए। महाराज को मैसेज मिला, संदेश मिला कि वृंदावन से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो नहीं आ पाए हैं, उन्होंने एक किसी भक्त को भेजा है। उनको लगा कि क्यों, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं, लेकिन आए थे, पता लगा आपका नाम, मेरा नाम बलदेव है। बलदेव आए, बलदेव जी को उन्होंने सब बात बताई। रामानंद जी जो संप्रदाय के लोग थे उनको भी कहा कि एक नियुक्त किए गए हैं एक वैष्णव, वहाँ से वो आपके प्रश्नों का सबका उत्तर दे देंगे, आप जब चाहें आप आ सकते हैं। सभा लगी, वैष्णव सभा जुटी, पूरा का पूरा रामानंदी संप्रदाय आज भी बहुत प्रभाव है, राजस्थान में हम जाएं तो बहुत प्रभाव है। तो उस समय तो बिल्कुल गढ़ था उनका, तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज महानुभाव जुटे रामानंद संप्रदाय से, बड़े बड़े वैष्णव संप्रदाय सब जुटे वहाँ पर बैठे। तो जो उनमें मुख्य थे, जो उनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपनी पहली गोली दागी, 303। पहली गोली दागी कि राधा रानी का नाम तो कहीं शास्त्र में आता नहीं है, ये आपने राधा रानी को साथ में यहां स्थापित करके उनकी उपासना प्रारंभ कर दी,
ये शास्त्र संगत नहीं है। वो दो मिनट चुप रहे, फिर उसके बाद कहते हैं जब रामानुज आचार्य रामानुज आए थे उनके आसपास ही एक भक्त और उड़ीसा में आए थे, एक महान आचार्य उड़ीसा में आए थे, आपको उनका नाम याद है, जयदेव गोस्वामी। हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध आचार्य, वो तो बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं। एक प्रसिद्ध सा श्लोक उन्होंने कहना शुरू किया, उनको समझ में आ गया ये तो गड़बड़ स्थिति जा रही है। गोली ये थी कि आप गौड़ियों ने ये राधा रानी को इंट्रोड्यूस किया, चेतन महाप्रभु से आप आए और उसके बाद फिर आपने शुरू कर दिया, कहां शास्त्र में कहां पर इसकी चर्चा है। 11वीं शताब्दी में जब रामानुजाचार्य आए थे, आविर्भाव हुआ, रामानुजाचार्य महापाद की, तो उनके साथ साथ ही जयदेव गोस्वामी भी आए थे। लगभग सिमिलर काल था, बहुत अंतर नहीं था दोनों में, लेकिन जिस तरह के रसिक छंद, जिस तरह के रसिक काव्य जयदेव गोस्वामी ने लिखा, वो अपने आप में क्रांति थी, उस समय क्रांति जैसी थी। और क्या क्रांति थी, यहां तक उन्होंने कह दिया, मैं बहुत ज्यादा उन दोहों में नहीं जाऊंगा, नहीं तो उसी के विस्तार में फंसना पड़ेगा, जाना बहुत दूर है, यात्रा बहुत लंबी है। उन्होंने यहां तक स्थापित कर दिया, स्मरर गरर मंडनम, मैं बहुत नहीं जाऊंगा इसमें, कि जो स्मरर गरल मंडनम है, एक विशेष कामना है उससे। ये क्या है, ये राधा रानी के चरण है। गरल होता है जैसे माना जाए, अगर कामनाओं का कोई बहुत विष हो भरा हुआ, समर गरल मंडनम, मई शिरसी मंडनम, ये लिख रहे हैं भगवान और राधा रानी के बीच की वार्तालाप को जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं। बहुत कुछ पहले लिख दिया है और अब लिख रहे हैं समर गरल मंडनम, मई शिरसी मंडनम। अब आगे कुछ उनके मन में भाव आया, ये काम नहीं लिखना, ये काम नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ऐसा भाव आया उनके मन में कि वो आखिरी पंक्ति बैठ रही थी लेकिन नहीं हाथ बढ़ रहा था। सब वो कथा जानते हैं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो पंक्ति बाद में लिखी गई, देही मम पदार, देही पद पल्लवम उदारम, कि अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रख दो। ये कौन कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी के बारे में कि इन चरणों को आप मेरे सिर पर रख दो। ये अंतिम पंक्ति जयदेव गोस्वामी ने नहीं लिखी, लेकिन फिर भी लिखी गई। वो कथा है कि कैसे लिखी गई, किसने आ करके लिखी, हम प्रायः जानते हैं, उस कथा में नहीं जाएंगे। भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर के परोक्ष में वो पंक्ति लिख दी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पंक्ति यहाँ बिल्कुल पर, वो सोच रहे थे नहीं नहीं, ये कृष्ण के लिए ऐसा भाव रखना ठीक नहीं है कि वो अपेक्षा करें कि राधा रानी का चरण, राधा रानी का, अरे तो कृष्ण ने खुद आकर के लिख दिया, ठीक तो लिख रहे थे, यही तो है। थोड़ा बताया उनको जो रामानुज संप्रदाय के जो मुख्य प्रतिनिधि थे, मुझे उनका नाम अब ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं ब्रह्मदेव या क्या नाम था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उनको ये पंक्ति सुनाई कि ये पंक्ति तो गौड़ियों में से किसी ने नहीं लिखी, ये तो उनसे भी 500 वर्ष पहले लिखी हुई है। अरे हमने तो राधा रानी को साथ बिठाया है, साथ खड़ा किया, अगर कृष्ण की इच्छा मान लो तो ये विग्रह की स्थिति क्या होगी, आप खुद समझ लो। कि गोविंद जी कहां होने चाहिए और राधा रानी कहां होनी चाहिए, लेकिन शास्त्र में कहां वर्णन है, ये तो मान लिया,
भागवत में कहां लिखा है कि राधा रानी के बारे में? भागवत तो बहुत दूध में आपको घी नजर आता है क्या ब्रह्मदेव जी? दूध में घी नजर आता है? नहीं, दूध में तो घी नजर नहीं आता। दूध में घी होता है कि नहीं होता है? दूध के हर एक बिंदु में, हर एक कण में घी सम्मिलित है। एक प्रक्रिया से घी निकाला जाता है, वो प्रक्रिया अपनाओ, आपको हर शब्द में राधा रानी के दर्शन हो जाएंगे। आपको भागवत में राधा रानी के अतिरिक्त और कुछ दिखेगा ही नहीं। और भी बहुत कुछ उन्होंने तर्क दिया, कहीं श्लोक दसवें स्कंध से ला करके बताए, सिद्ध किया। पहले पॉइंट पर राजा ने सुना, बहुत सुंदर। राजा थोड़ा सा खिल गया, प्रसन्न हो गया। एक बार जब उन्होंने कहा कि मैं, गलती हो गई मुझसे, मैं क्षमा मांगता हूं कि जयदेव गोस्वामी ने वो पद नहीं लिखा, वो तो राजा थोड़ा सा मुंह उसका मायूस सा हो गया। बढ़िया से चल रहा था, इतनी बढ़िया व्याख्या कर रहा है, एकदम अपनी बात को काट क्यों रहा है? बोले मैं क्षमा चाहता हूं, ये जयदेव गोस्वामी ने नहीं लिखा है, ये भगवान कृष्ण ने स्वयं लिखा है। पहली गोली गई थी, वापस आ गई। अब दूसरी गोली दागी गई। दूसरी गोली ये दागी गई कि कृष्ण नारायण से आए हैं, आप नारायण की पूजा क्यों नहीं करते हो? जो मूल है, मूल की पूजा करनी चाहिए। आप ऐसे तो बहुत अवतार नारायण से आए, आपको कृष्ण की जगह नारायण की पूजा करने में क्यों उत्साह नहीं आता है? उसने सोचा बड़ा भारी भरकम प्रश्न है, इस पर तो ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि रूप गोस्वामी पाद आ चुके हैं। रूप गोस्वामी पाद ने एक ग्रंथ लिखा, लघु भागवतामृत। उसमें दो खंड हैं, दूसरे खंड में तो कोई 25-30-40 श्लोक हैं। पहले खंड के 5 अध्याय हैं, जिसमें पहले अध्याय में मंगलाचरण है, बहुत सारे श्लोक में मंगलाचरण है, और बाकी कुछ 10-20 श्लोकों में पुस्तक का एक सार है। तो पहला तो समझ लीजिए मंगलाचरण या प्रीफेस टाइप ही अध्याय है। दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है वो भगवान के गुणावतार, पुरुषावतार, युगावतार, मनवंतावतार, शक्त्यावेश, इन सबको समर्पित है। जो 5वां अध्याय है वो ये बता रहा है कि ये सारे के सारे अवतार हैं किसके। युग अवतार बता दिया, मनवंतर अवतार बता दिया, ये सब अवतार 6 के 6 अवतार बता करके, जो 6 डिफरेंट टाइप के अवतार हैं, जो 5वां अध्याय है वो ये बताता है कि वास्तव में ये अवतार किसके हैं। पूर्व पक्ष से प्रारंभ करते हैं, 5वां अध्याय 125 श्लोक में स्थापित करते हैं, लगभग 125 श्लोक में स्थापित करते हैं, नारायण 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 नारायण। भागवत से उदाहरण लेते हैं, बहुत सारे पुराण से उदाहरण लेते हैं, पद्म पुराण से, अग्नि पुराण से, बहुत सारे उपनिषद से उदाहरण लेकर के स्थापित करते हैं कि वास्तव में नारायण सर्वोपरि हैं। और उसके बाद जब टर्न लेते हैं, जब यू टर्न लेते हैं, तो 400 श्लोक में स्थापित करते हैं कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं। तो बहुत कठिन नहीं था। ब्रह्मदेव ने जो कुछ श्लोक गिनाए उसके ऊपर 25-30-40 और जोड़ दिए बलदेव विद्याभूषण जी ने कि आपने थोड़े कम बताए। ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। राजा तो गद्दी छोड़ के जाने वाले, क्या कर रहा है ये? उनकी तरफ से आया कि अपने पक्ष से बात कर रहा है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद के जो सिखाए होते हैं उनको पता होता है कि युद्ध कैसे करना है। तो बहुत अच्छे से उनकी टीम में पहले मिल गए, उन्हीं के पक्ष को पुष्ट किया, उन्हीं की बातों को पुष्ट किया कि नारायण ही सर्वोपरि हैं। लेकिन जब अब भगवान कृष्ण की बात आई
तो ऐसे धारा प्रवाह श्लोक चल रहे थे जैसे ललाट पर वो 400 के 400 श्लोक लिखे हुए हैं। बहुत सुंदरता से, बहुत सुंदरता से धीरे 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 अब इतनी बुरी तरह से ये गोली वापस आई थी कि इस पर तो अब कोई जगह मिली नहीं वापस कुछ करने की। लेकिन शय वाला काम अब आया उनके पास। अब जो तीसरी गोली आ रही थी वो बिल्कुल शय हो रही थी, जैसे चेस में, शतरंज में क्या करते हैं, पहले शय देते हैं और फिर मात करते हैं, चेक एंड चेकमेट एंड चेक, चेकमेट एंड चेक, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, पहले चेकमेट देते हैं फिर, नहीं पहले चेक फिर चेकमेट, ऐसे ही होता है ना, पहले शय और फिर मात, ऐसे ही होता है ना। तो अब तीसरी गोली तो बिल्कुल शय वाली थी। शय वाली क्या थी कि आप जो इतनी बातें कर रहे हो, चार प्रसिद्ध संप्रदाय हैं शास्त्रों में जिनके बारे में चर्चा है, आप ये बता दीजिए कि चारों संप्रदायों में से आप गौड़ीय संप्रदाय किसको बिलोंग करते हैं? आप रुद्र संप्रदाय से हैं, श्री संप्रदाय से हैं, कुमार संप्रदाय से हैं या ब्रह्म संप्रदाय से? किसी से तो करते हो, क्योंकि अगर ये नहीं है चारों में से तो मंत्र विफल है, आपकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। पांचवा स्थापित संप्रदाय कोई बता दीजिए, स्थापित संप्रदाय तो कोई है नहीं। हमारा संप्रदाय यूं तो महाप्रभु से प्रारंभ होता है गौड़ीय संप्रदाय, लेकिन इसकी नींव जाती है भगवान कृष्ण तक, ब्रह्मा जी के माध्यम से होते हुए, मध्वाचार्य जी के माध्यम से होते हुए। वो पूरी बात बता देते हैं कि किस तरह से माधवेंद्रपुरी के जो गुरु जी थे वो मध्वाचार्य मध्व संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, और कैसे फिर ये नया गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय माने गौड़ माने बंगाल, तो ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय है हमारा। एकदम खुश हो गया ब्रह्मदेव की तो बांछे खिल गई, अरे वाह बहुत बढ़िया, पांचवा है ना, अलग है ना। तो शास्त्र के अनुसार एक प्रस्थान त्रयी होता है, प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, त्रयी माने तीन, और प्रस्थान का क्या मतलब होता है, जिस रास्ते से जाया जाता है उसको प्रस्थान, जैसे बोलते हैं ना मैं प्रस्थान माने मैं जा रहा हूं, जिस रास्ते से जाया जाता है उसको प्रस्थान कहा जाता है। तो प्रस्थान त्रयी क्यों कहा जाता है, प्रस्थान त्रयी इसलिए कहा जाता है कि जो भी संप्रदाय अपना कोई मत रखता है, मत स्थापित करना चाहता है, कोई नया मत रखना चाहता है, कोई नया दिशा देना चाहता है, तो उसको प्रस्थान त्रयी के माध्यम से जा करके अपना मत स्थापित करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बिल्कुल समन्वय करके अच्छे से सारी बात समझानी पड़ती है। तो आपका सिद्धांत तो क्या है, हमारा सिद्धांत अचिंत्य चिंत्य, चिंत्य चिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, यह हमारा सिद्धांत है। पहले द्वैतवाद है, उनका विशिष्ट अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, वो सब तो स्थापित हैं। ये जो आपने अचिंत्य भेद अभेद तत्व बताया है, ये प्रस्थान त्रय में कहीं स्थापित किया है आप लोगों ने? अगर स्थापित नहीं किया है तो आपके संप्रदाय पर काटा लगता है, क्योंकि ये सिद्धांत स्थापित है। त्रय माने तीन, एक ब्रह्मसूत्र, एक भगवद गीता, एक उपनिषद, इन तीन के आधार पर सारे के सारे सिद्धांत जो आपके हैं कंक्लूसिवली रिलेट करके इन तीनों के आधार पर बताने पड़ेंगे, स्थापित करने पड़ेंगे कि हर एक श्लोक जो इन तीन जगह पर है, कहां कहां पर, जो ब्रह्म सूत्र में है, जो भगवद गीता में है और जो उपनिषद में कहा गया। तो आपका जो भी मत आपने रखा, जो भी आपने फिलॉसफी रखी, वो इन तीनों पर बिल्कुल खरा उतरना चाहिए। इस प्रस्थान त्रयी माने इन तीन के मार्ग से पार हो करके जाए, स्थित हो जाए, स्थापित हो जाए,
तो वो संप्रदाय स्थापित माना जाता है। तो आपकी प्रस्थान त्रय की यात्रा आप बता दीजिए, कुछ ग्रंथ होंगे आपके, कुछ ना कुछ भाष्य होंगे, इन पर आप दे दीजिए, आप स्थापना कीजिए। अब मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि क्या भाष्य होता है, ताकि ठीक समझ में आ जाए। ब्रह्म सूत्र में चार अध्याय हैं, हर एक अध्याय में चार पाद हैं, माने चार स्टेप्स, चार डिविजन्स हैं। कुल मिला करके लगभग 555 सूत्र हैं ब्रह्म सूत्र में, जिसे वेदांत सूत्र कहा जाता है, वेदांत दर्शन कहा जाता है, उत्तर मीमांसा, कई नामों से जाना जाता है ब्रह्म सूत्र को। तो 555 सूत्र में हर एक सूत्र में जो शब्द आया, उदाहरण के लिए पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी एक सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र हैं, तीन शब्द, पांच शब्द, आठ, बहुत बड़े बड़े ऐसे श्लोक नहीं, अनुष्टुप नहीं, सूत्र बहुत, सूत्र का मतलब ये होता है कि बहुत एब्रिवेट करके, बहुत छोटा सा बना करके सूत्र लिखा गया। तो पहले अध्याय का शीर्षक है समन्वय, दूसरे अध्याय का शीर्षक है अविरोध, तीसरे अध्याय का शीर्षक है साधन, और चौथे अध्याय का शीर्षक है फल। अब जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जो शब्द ब्रह्म आया, ये कौन से अध्याय में आया है? समन्वय के अध्याय में आया है। तो इस ब्रह्म शब्द को समन्वय करके बताना पड़ेगा, यहां जहां जहां भी ब्रह्म शब्द आ रहा है। 125 के आसपास श्लोक होंगे पहले अध्याय में, जिसे समन्वय का अध्याय कहा जाता है। जहां भी ब्रह्म शब्द आएगा उसको अपनी फिलॉसफी के अनुसार रिलेट करके बताना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा सूत्र फिट करके बताना पड़ेगा। वो जो भाष्य लिखा जाएगा वो एक अध्याय में एक शब्द का भाष्य पूरा हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब यही ब्रह्म शब्द जब अविरोध चैप्टर में आएगा तो वहां पर यह स्थापित करना पड़ेगा कि ब्रह्म का किसी भी अन्य शब्द जो उपनिषद में प्रयोग हुआ या भगवद गीता में प्रयोग हुआ, किसी तरह का कोई विरोध नहीं है उस शब्द के साथ। यही ब्रह्म शब्द जब तीसरे अध्याय में आएगा, जिसका साधन हेडिंग है, वहां यह बताना पड़ेगा कि ब्रह्म का साधन एक ही, आपकी जो फिलॉसफी है उन सबको सिद्ध करके, जहां जहां भी तीसरे अध्याय में ब्रह्म शब्द आ रहा होगा, आपको ब्रह्म शब्द को वहां स्थापित करना पड़ेगा कि जो साधन में आपका पूरी फिलॉसफी फिट होनी चाहिए। और चौथा अध्याय है फल, जो भी ब्रह्म शब्द आएगा चौथे अध्याय में, ब्रह्म तो आएगा ही, हर जगह आएगा, फल क्या है? इस ब्रह्म की उपासना करने से, साधन लगा करके करने से क्या फल है? जहां जहां भी श्लोक में जो भी फल आएगा ब्रह्म शब्द से वो फिट बैठना चाहिए। मैं एक शब्द के बारे में बता रहा हूं, 555 श्लोक हैं, अगर एवरेज 4-5 शब्द भी एक सूत्र में लगाएं तो इतने शब्दों की व्याख्या बिल्कुल बैठा करके चारों अध्यायों में करनी है, स्थापित हो जाए तो यह माना जाएगा कि यह ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, और जो बाकी संप्रदाय के लोग भी उसको मान ले। संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान हैं, आप कहीं से डेविएट नहीं कर सकते हैं। जो ब्रह्म शब्द आपने उठाया पहले अध्याय में, स्थापित किया अपनी फिलॉसफी, उसी फिलॉसफी को लेते जाएंगे, जहां जहां ब्रह्म शब्द आएगा, चाहे फल में है, चाहे साधन में है, चाहे अविरोध चैप्टर में, सब पर वो ब्रह्म फिट होना चाहिए। बात समझ आ रही है ना? तो ब्रह्म सूत्र में तो बहुत बहुत शब्द हैं, बहुत सूत्र में कई कई तरह के हैं, इसलिए। और फिर दूसरा, भगवद गीता पर भी भाष्य होना चाहिए और उपनिषदों पर भी भाष्य होना चाहिए, तब ये इसे कहा जाता है कि प्रस्थान त्रय का मार्ग इस संप्रदाय ने कवर कर लिया है, पूरा किया, अब ये स्थापित संप्रदाय है। उसने तो शय दे ही दी थी, ब्रह्मदेव जी ने तो शय दे दी थी। क्या शय दे दी थी? ठीक है, हम आपको संप्रदाय स्वीकार करते हैं, अपनी प्रस्थान त्रय की यात्रा प्रस्तुत कर दीजिए।
वास्तव में तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि श्रीमद् भागवत इज ए नेचुरल कमेंट्री ऑन ब्रह्म सूत्र। ये तो रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद कब का लिख दिए होते, क्या क्या डाल दिए होते उसमें, तो कहीं कहीं सा उतार कब का निकाल कर खत्म कर दिए होते। लेकिन गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा ने यही नेचुरल कमेंट्री है, तो क्या रूप गोस्वामी पाद लिख सकते थे, सनातन गोस्वामी पाद लिख सकते थे? कोई नहीं लिखा। जीव गोस्वामी पाद ने सोचा नहीं, क्यों सोचना है? अपने समय के जो प्रगाढ़ आचार्य हैं, जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, सब कहना नहीं चाहिए, पानी भरते थे उनके सामने। लेकिन लेकिन क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी, क्यों लिखना? महाप्रभु ने कहा हमारे पास भाष्य है। क्या है भाष्य? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। अरे भाष्य अलग से क्यों लिखना? व्यास देव जी ने लिख दिया। जिसने ब्रह्म सूत्र लिखा उसने उस पर कमेंट्री भी लिख दी, तुम उससे ऊपर थोड़ी लिखोगे। तुम कहा कि एक्चुअली माफ, एक्चुअली नहीं कहा जो भी, वास्तव में महाप्रभु ने कहा है कि श्रीमद् भागवत एक स्वाभाविक भाष्य है ब्रह्म सूत्र के ऊपर, वेदांत सूत्र के ऊपर, तो इसलिए हमें कोई आवश्यकता इसकी प्रतीत नहीं होती। श्रीमद् भागवत ही हमारा सार है, वही हमारे लिए भाष्य है, वही ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। तो क्या हम लोग श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते? क्या बाकी संप्रदाय वाले लोग श्रीमद् भागवत, आपकी आपकी भागवत में कुछ ज्यादा श्लोक है क्या? हम भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारा भाष्य है ना, तो भाष्य तो होना चाहिए। आपकी प्रस्थान तरह की यात्रा तो पूरी नहीं हो रही है ना। तो राजा को भी लगा कि अगर इस समय ये स्थिति नहीं संभाली गई तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहा अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कितने वर्षों में आप अपना भाष्य प्रस्तुत कर सकते हैं? 20 वर्ष में प्रस्तुत कर देंगे, 25 वर्ष में प्रस्तुत कर देंगे। आप जब अपना भाष्य ले आए 10-20-25 वर्षों में, आज के बाद मैं राजा जी से प्रार्थना करूंगा कि एक तो राधा रानी को हटाया जाए और एक गोविंद देव जी की सेवा हमको दी जाए, और जब इनका भाष्य आ जाए, इनका भाष्य इवेल्युएट हो जाए ठीक ठाक, इसको परख लिया जाए और स्थापित हो जाए इनका कि भाष्य बिल्कुल अनुकूल है, तब इनको सेवा वापस दे देंगे। लेकिन जब तक इनका भाष्य नहीं है तब तक गोविंद देव जी की सेवा महाराज हमें प्रदान करने की अनुमति दीजिए। अब राजा तो फंस गया। बात भी ठीक है, जानकार था, प्रस्थान तरह के मार्ग को जानता था, तो अब बीच का रास्ता कुछ निकल नहीं रहा था और उतना समय लगना भी था। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे करके बताया कि एक भाष्य में एक शब्द को कितना फैलाया जाएगा और उस पर बहुत उपनिषद के साथ मैच करना है, गीता के साथ, आसान नहीं है ये भाष्य लिखना। ये कमेंट्री टीका नहीं है, ये भाष्य है। राजा जी ने पूछा कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो गोविंद देव जी की सेवा जारी, मैं बद्ध हो जाऊंगा, मैं बाध्य कर दिया जाऊंगा, आप कितना समय में दे सकते हैं? उनके मुख से निकल गया, या सरस्वती जी ने उनके मुख से निकाल दिया, या आचार्यों ने, या भगवान ने खुद उनकी जीवा पर बैठ करके निकाल दिया, 1 महीने में भाष्य प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन गोविंद देव जी की सेवा तब तक नहीं जाएगी, 1 महीने तक आप गोविंद देव जी की सेवा इनको नहीं दे सकते, 1 महीने में भाष्य प्रस्तुत कर दूंगा। राजा का तो मुंह खुला रह गया और वो तो सारे एकदम ठहाका, अरे ठीक है कोई बात नहीं, 1 महीने बाद तो आने ही वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। सालों साल लग जाते हैं एक अध्याय के भाष्य लिखने में, ये 4 अध्याय का लिखेंगे, और भी बहुत कुछ करना है, गीता पर भी भाष्य लिखना है, सारी जीवन भी लिख लेंगे तो भी पूरा नहीं होगा। अगले महीने सेवा आने वाली है, निश्चित है, कर लो तैयारी। आए बलदेव जी, मंदिर में आए, गोविंद देव जी के चरणों में प्रणाम किया, अपने आप को कोसने लगे कि मैंने क्या कह दिया, 1 महीने में कर दूंगा, एक महीने में तो शुरू भी कब कैसे कर पाऊंगा ये भी नहीं पता।
गोविंद देव जी के पास ही मंदिर में कुछ लेटे थे, इधर उधर हो रहे थे। आचार्यों का आशीर्वाद है, क्या करूं, कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है, निकल गया मुख से, किसने निकाल दिया। 10-20-5 साल तो मांग लेता, लेकिन वहाँ गोविंद देव जी की सेवा जा रही थी, मांग मानते नहीं, एक महीने में तो मान गए। वो सब उदयपूर्ण चल रही थी, तब तक थोड़ी सी तंद्रा आ गई। आचार्यों को निद्रा नहीं आती है, तंद्रा आती है। तंद्रा मतलब कि चतुर्थी स्टेज में ही होते हैं, भक्ति भाव में ही होते हैं, भक्ति भाव में ही जब आंखें बंद हो जाती हैं तो उसको तंद्रा कहते हैं। तो भक्ति भाव में थे गोविंद देव जी, तो प्रतीक्षा कर रहे थे, गोविंद देव जी राधा रानी को जाने देंगे एक एक को क्या कहूं गोविंद देव जी राधा रानी को जाने देंगे अपने पास से? संभव नहीं है। गोविंद देव ने स्वप्न में कहा, बलदेव चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम भाष्य नहीं लिख पाओगे, वो तो सत्य है, लेकिन अगर मैं लिखाऊंगा तब भाष्य हो जाएगा पूरा। उनकी नींद खुल गई, मैं लिखाऊंगा मतलब गोविंद देव जी लिखाएंगे। तो गोविंद देव जी परमात्मा रूप से हृदय से जो कहते जा रहे थे बलदेव जी लिखते जा रहे थे। बलदेव जी को नहीं पता कि क्या लिख रहे हैं, क्या चल रहा है, जैसे ब्रह्म शब्द का क्या विवेचन यहाँ हो रहा है, देखने का भी टाइम नहीं है कि वहाँ क्या लिखा था जब अगले अध्याय में आए, कुछ नहीं पता है क्या रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस लिखते जा रहे हैं। ब्रह्म सूत्र का भाष्य पूरा हो गया, एक महीना अभी नहीं हुआ था, ब्रह्म सूत्र का भाष्य पूरा हो गया। बलदेव जी ने सोचा कहीं दूसरा तुर्प का पत्ता ये ना फेंक दे कि गीता पर भी भाष्य लाओ, भैया गीता का भाष्य कहाँ है, प्रस्थान त्रयी में तो तीनों आते हैं। ठीक है, थोड़ा समय है, इस बार गोविंद देव जी को ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, 20 दिन से बहुत बोल रहे हैं गोविंद देव जी। तो उस भाष्य के आधार पर और बाकी सब जो आचार्यों से सुना था उसके आधार पर उन्होंने बहुत सुंदर टीका, ये तो 700 श्लोक पर लिखना था, कोई इतना कठिन काम नहीं था, लिख दी। अब गीता पर भी भाष्य तैयार है और ब्रह्मसूत्र पर भी भाष्य तैयार है। एक महीना हो गया, लेकर के पोथी दोनों गए, वहां पर आए वो लोग तो निश्चित थे, अपना चामड़ा अमर सब लाए हुए थे, अलग से पूरा बढ़िया से मोर पंख लाए हुए थे कि अब सीधा प्रवेश करना है यहाँ गोविंद देव जी के मंदिर में और कार्यभार लेना है। हाँ, आप आ गए। तो है कुछ किया आपने, कुछ काम? हम बोले पूरा लिख दिया, पूरा भाष्य लिख दिया। वो बैठ करके पढ़ने लगे तो एकदम पागल हो गए, ये आज मैं घर लेकर के जाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, छूट नहीं रहा है। घंटों पढ़ते रहे ब्रह्मदेव जी, घंटों पढ़ते रहे, अभी पूरा भी नहीं पढ़ा तो ग्रंथ भाष्य तो साइड पर रख दिया और उनके चरणों पर लेट गए, आपसे दीक्षा चाहिए। भगवान की कृपा, आचार्यों का आशीर्वाद, कहां तो वो झंडा उड़ाने वाले थे संप्रदाय का कि ये संप्रदाय मान्य नहीं है, ये संप्रदाय खोखला है, इनका भाष्य नहीं है, राधा रानी का विग्रह हटना चाहिए, नारायण की पूजा होनी चाहिए। वही व्यक्ति अब चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रहा है, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। वास्तविक भाष्य तो अब समझ में आ रहा है। लेकिन उन्होंने जाते जाते एक बात और कह दी, दीक्षा देने का, क्योंकि वो भी प्रतिष्ठित संप्रदाय है तो दीक्षा देने का प्रश्न नहीं था, लेकिन जाते जाते उनके मन में एक बात और आ गई। विचार कर रहे थे कि बलदेव जी ने जो भी तर्क दिया, इनके सारे के सारे काम, उन्होंने पूछा था कि एक महीने में लिख कैसे दिया आपने भाष्य, एक महीने में लिख कैसे दिया? बोले मैंने नहीं लिखा, गोविंद देव जी ने लिखवाया है। ये अचिंत्य भेद भेद तत्व किसने दिया? महाप्रभु ने दिया। कौन है? कृष्ण, राधा कृष्ण स्वयं है।
ये जयदेव जी का ये पद किसने पूरा किया? कृष्ण ने पूरा किया। वो सोच रहे थे ये कैसा संप्रदाय है जहां पर सब कुछ कृष्ण ही करते हैं, कृष्ण ही पद लिख जाते हैं, कृष्ण ही आकर के अचिंत्य भेद अभेद तत्व दे जाते हैं, कृष्ण ही आकर के भाष्य लिखवा देते हैं। ऐसा संप्रदाय तो कहीं देखा ही नहीं जहां कृष्ण ही सारा काम कर रहे हैं। अगर कोई कठिन काम हो अपने पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी योग्यता पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आचार्यों की कृपा पर और भगवान कृष्ण ने जो प्रेसिडेंट स्थापित किया है, जो पहले किया तो आगे भी करेंगे, मान लेना चाहिए कि कोई काम रुकेगा नहीं। जिसने 3 बार स्टैंप लगाई है वो 5 बार भी लगाएगा, 10 बार भी लगाएगा, 100 बार भी लगाएगा। तो किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं मानना चाहिए हमारी यात्रा में। हम किसी भी तरह से लगे हैं भगवान की सेवा में, प्रचार में, महाप्रभु की इस कृपा के मार्ग को बांटने में, कहीं कोई अवरोध नहीं आएगा। यदि अवरोध आएगा तो अवलंबन 2 का है, आचार्यों की कृपा का और भगवान कृष्ण नहीं तो तैयार बैठे हैं, तुरंत तुरंत सहायता मिलेगी, बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए। राजा इतना प्रसन्न कि अब मैं क्या करूं। वो सब लोग तो नीचे चरणों में लौट रहे हैं। राजा ने कहा अब मैं क्या दूं इनको, अब मैं क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह का आभूषण किसी भक्त का होना चाहिए, किसी उन्नत भक्त का होना चाहिए, भगवान की भक्ति, भगवान की विद्या से भरा हुआ आभूषण, ये आभूषण आज मैं इनको देता हूं। आज से इनका नाम हुआ बलदेव विद्याभूषण। तो राजा जय सिंह ने बलदेव विद्याभूषण नाम पूरा किया, आचार्य बलदेव विद्याभूषण। सब स्थापित हो गया, ग्रंथ लेकर के और विद्याभूषण नाम लेकर के जब वापस यात्रा कर रहे थे, पुरानी सब यात्रा जो जाते हुए आ रही थी, फिर जाते हुए वापस आ रही थी, कि किस तरह से आचार्यों की कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत कठिन काम, संप्रदाय की रक्षा करने जैसी स्थिति थी, लेकिन भगवान ने हाथ दे करके वास्तव में, अरे महाप्रभु आए कोई स्थापित करने के लिए संप्रदाय, तो कोई आकर के हवा में उड़ा देगा? ये संभव है? हो ही नहीं सकता। आए, आकर के प्रणाम किया गुरुदेव को, दोनों ग्रंथ ला करके उनके हाथों में दे दिए। ये क्या है, पूरी बात सारी समझाई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो इतना प्रसन्न हुए कि वास्तव में जिसको भेजा था उससे अधिक करके आया। क्यों अधिक करके आया? वो तो इनके हृदय में परमात्मा जानते थे कि आपका आशीर्वाद है, विफल हो ही नहीं सकता था, इसलिए परमात्मा जानते थे कि बलदेव विद्याभूषण जी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का आशीर्वाद है, आचार्यों का आशीर्वाद है, विफल नहीं हो सकता है। उसके बाद बहुत 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 ग्रंथ और भी लिखे, उपनिषद पर भी काम हुआ। शिला प्रभुपाद जी ने जो उपनिषदों में ईशोपनिषद लिखा है, आप संयोग मत मानिए कि शिला प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद पर ही क्यों लिखा और बाकी किसी उपनिषद पर क्यों नहीं लिखा, या बाकी ईशोपनिषद को क्यों प्रेफरेंस दी। 108 मुख उपनिषद हैं, बस 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद मैं विराम दे दूंगा। 108 मुख उपनिषद हैं, उनमें से शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, भगवद गीता पर भाष्य लिखा और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। तो सभी उपनिषद पर भाष्य ना भी हो, लेकिन कुछ उपनिषदों पर भाष्य होना जरूरी है। उपनिषद हैं क्या वास्तव में, थोड़ा समझ लेना चाहिए। जैसे हमने कहा कि प्रस्थान त्रयी करना होता है, इस मार्ग से गुजर करके स्थापित करना होता है अपना सिद्धांत, तो उपनिषदों को कहा जाता है श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान क्यों कहा जाता है उपनिषद को? क्योंकि श्रुति वैसे नाम है वेद का, लेकिन वेद पर ही बिल्कुल एज इट इज आधारित उपनिषद होते हैं,
और वेद का भी जो सार है, जो सार अंश है, ज्ञान और उपासना। कर्म को नहीं बहुत अधिक लिया गया उपनिषद में, लेकिन ज्ञान और कर्म के आधार पर 108 उपनिषद में बहुत कुछ लिखा गया। उसमें से भी एक यजुर्वेद का 40 अध्याय है यजुर्वेद में, उसका बिल्कुल आखिरी अध्याय है जिसका 18 श्लोक है, और 18 के 18 श्लोक उठा करके एक उपनिषद में एज इट इज रख दिए। मंत्र वेदों में मंत्र होते हैं, बाकी जगह पर श्लोक होते हैं, तो वो 18 मंत्र एज इट इज ला करके रख दिए, और ग्रंथ का नाम क्या रखा, ईशो उपनिषद या ईशावास्य उपनिषद भी कुछ लोग कहते हैं। एज इट इज यजुर्वेद के 40वें अध्याय अंतिम अध्याय के 18 मंत्र ला करके, बाकी में प्रायः उनका सार है ज्ञान और उपासना का, कर्म का बहुत अधिक नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि श्रुति इसका आधार है, उपनिषदों का आधार श्रुति है, या तो डायरेक्टली मंत्र लाए गए हैं या उनके सार रूप से यहां पर श्लोक रखे गए हैं, इसीलिए उपनिषद को उनके मार्ग से जब प्रस्थान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, श्रुति प्रस्थान। बात समझ में आई। दूसरा है स्मृति प्रस्थान, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों के आधार पर आपके सिद्धांत स्थापित होने चाहिए, इसलिए स्मृति में भगवद गीता का नाम बहुत ऊपर है, महाभारत का अंश है, इसके आधार पर स्थापित करना होता है। और ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है न्याय प्रस्थान, माने तर्क और न्याय के आधार पर जितने वहां सूत्र दिए गए हैं, अपनी फिलॉसफी, अपने दर्शन को तर्क और न्याय के अनुसार, बहुत विशिष्ट काम है, बहुत दुर्लभ काम है, कि सब जहां भी सूत्र में जो भी शब्द आए चारों अध्यायों में समन्वय करके, अविरोध करके, अच्छे से उसको पूरा करना होता है। अब क्योंकि ईशोपनिषद डायरेक्टली आया हुआ है वेद से, एज इट इज मंत्र 18 यहां बिल्कुल एज इट इज उतार दिए गए हैं, इसीलिए एक कारण यह भी था प्रभुपाद जी का कि मध्वाचार्य शंकराचार्य जी ने 10 को मुख्य माना, 10 उपनिषद को मुख्य माना, कि 10 उपनिषद पर अगर टीका लिख देंगे तो उसमें सब सार आ जाएगा। तो उन्होंने 10 उपनिषद में कौन कौन से लिए, उसमें उन्होंने लिया मुंडक उपनिषद, मांडुक उपनिषद लिया, तैत्तरीय उपनिषद लिया। सबसे पहले जहां से शुरुआत की, पहला जो उन्होंने उपनिषद लिखा वो ईश उपनिषद। एक श्लोक में कहते हैं ईश केन कंठ, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कंठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, पहले अनुष्टुप में ये चार शब्द लिखे, उसके बाद फिर अगले में लिखे मंडुक मांडुक्य तैत्तरीय, कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 अनुष्टुप में उन्होंने पूरा किया। फिर नीचे आकर के वो बोलते हैं ऐत्रेय आरण्यक ब्रह्मा, जिसे क्या बोलते हैं बृहदारण्यक, और एक और उन्होंने लिया। 10 उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना, ईशोपनिषद। प्रभुपाद जी ने इसी एक को उठा करके बहुत सुंदरता से मंत्र पर, यद्यपि हमारे आचार्यों ने पहले भाष्य लिखे हुए थे इस पर, सब पर नहीं, कुछ पर उपलब्ध हैं। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि आज का दिन त्रिभाव दिवस, बलदेव विद्याभूषण एक ऐसे आचार्य का त्रिभाव है जिनकी वजह से हम आज बैठे हैं, जिनकी वजह से आज हमारे मंदिर चल रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी पुस्तकें, हमारा संप्रदाय वास्तव में प्रतिष्ठित संप्रदाय है। इतना प्रतिष्ठित संप्रदाय है कि भगवान स्वयं आकर के इस संप्रदाय को, स्वयं आकर के बीज डाल करके चला रहे हैं। ब्रह्म गौड़ीय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय की, श्री बलदेव विद्याभूषण जी की, अन्य भी गंगा माता गोस्वामी जी का आज आविर्भाव है, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं। मैं एक लाइन बस बोल देता हूं कि जन्म हुआ शची देवी के रूप में, लेकिन जगन्नाथ जी ने जिन पर कृपा करके गंगापुरी में अवतरित कर दी, ऐसी महावैष्णवी का नाम है गंगा माता गोस्वामी।
इतना सुंदर शास्त्रों पर उनका अधिकार था गंगा माता गोस्वामी का कि उस समय हर व्यक्ति इनसे दीक्षा लेना चाहता था, हर व्यक्ति इनको सुनना चाहता। तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित आचार्य हमारे संप्रदाय की गंगा माता गोस्वामी हैं। गंगा माता गोस्वामी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन है। और आज गंगा पूजा महोत्सव भी है। दो मत हैं कि आज गंगा जी का आविर्भाव हुआ, गंगा मैया की, ये भी मत है कि अक्षय तृतीया वाले दिन गंगा मैया का आविर्भाव हुआ। हमें दो बार मौका मिलता है गंगा मैया के आविर्भाव को मनाने का, गंगा मैया की, जमुना मैया की। एक दो मिनट एक छोटा सा भजन गा लेते हैं जो आज के दिन बहुत जरूरी है, फिर इसको बांध देंगे। जिया नीलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर, जया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कामुरा स्वरूप रूपा का सनातन, का दास रघु नाथ पतित पावन, कामुरा भट जुगा का कबीराज, एक काल कोता गेला गोरा नटराज, पाषाण कुटीबो माथा अनले पशिबो, गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो, से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, से संगना पाया कांदे नरोतम दास,
जे अनिल प्रेम दान करुणा प्रचुर न प्रभु को गेला आचार्य ठाको जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जया बलदेव विद्याभूषण ठाकुर बलदेव विद्याभूषण ठाकुर बलदेव विद्याभूषण ठाकुर बलदेव विद्याभूषण ठाकुर जया जया प्रभुपाद 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 बलदेव विद्याभूषण ठाकुर जी की गंगा माता गोस्वामी जी की गंगा मैया की सभी एकत्रित भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे शिला प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, आपने धैर्यता के साथ इसे सुना। हरे कृष्ण। अच्छा एक प्रश्न है, चलिए लीजिए प्रभु जी। जैसे आप बता रहे थे कि उन्होंने भाष्य लिखने के लिए बोला था, तो फिर तीनों पे भाष्य के लिए बोला, तो लेकिन हम देखते हैं कि भगवद्गीता पे ऑलरेडी श्रील विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी के द्वारा कमेंट्री दे जा चुकी थी, तो क्या ऐसा है कि एक ही आचार्य के द्वारा तीनों पे भाष्य होना चाहिए? देखिए टीका अलग बात है और भाष्य अलग बात है। जो बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा वो भाष्य लिखा, और जो टीका है वो टीका तो एक रस प्रवाह होता है, वो तो हम पढ़ेंगे तो पढ़ते ही हैं, वो तो ऐसा लगता है जैसे रस में निमग्न हो रहे हैं। भाष्य में सब शब्दों को जो ब्रह्मसूत्र में लिखा, जो अन्य उपनिषद में लिखा, उसको मिला करके, जैसे मैंने बोला ना वो चार स्टेप्स में उसको रिलेट करना होता है, तो वो चारों स्टेप का वहाँ आविर्भाव होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, अविरोध होना चाहिए, साधन और फल चारों निकल कर आने चाहिए। तो क्या ऐसे समझ सकते हैं मुझे कि भाष्य को जब अगर ग्रामेटिकल वे से जस्टिफिकेशन चाहिए हो संप्रदाय का तो भाष्य हमारे लिए उपयुक्त है, और अगर किसी आचार्य की अनुभूति को पर्टिकुलर श्लोक के माध्यम पढ़ना हो तो उसके लिए कमेंट्री है? नहीं, ग्रामेटिकल के कारण ही नहीं, सिर्फ जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत ब्रह्म सूत्र की भी जो व्याख्या की जा रही है, उपनिषद की व्याख्या की जा रही है या गीता की, उनमें सब में एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ब्रह्म सूत्र का भाष्य और गीता पर भाष्य, दोनों भाष्यों में क्वालिटेटिवली वननेस होना चाहिए। जो वहाँ कहा जा रहा है उन्हीं तत्वों को कह करके इन श्लोकों स्थापित करना है, जो ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र हैं उनको अपनी ही फिलॉसफी से इस्टैब्लिश करना है। तो यहाँ फिलॉसफिकली जो भी हमने सिद्धांत लिए उनको यहाँ पर हर एक में मूर्त रूप से स्थापित करते चलना है, दैट इज कॉल्ड भाष्य। व्याकरण महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ पर उसका जो तत्व एक ही वननेस के साथ चले, सिमिलरिटी के साथ चले, उसको भाष्य कहते हैं। तो फिर ऐसा कहें कि हमारे सिद्धांत को ही प्रस्तुत किया होगा, सिद्धांत के जो मूल वो जो टेनेंट्स हैं उसको प्रस्तुत किया जाएगा इन तीनों के अंदर, भाष्य के अंदर। बहुत सुंदर है, जैसे ब्रह्मसूत्र एक हमने लिया, एक सूत्र लिया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस पर अपना भाष्य फिट करना, अपनी फिलॉसफी पूरी की पूरी जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है वहाँ फिट करना है, सभी सूत्रों पर फिट करना, और जो शब्द को एक बार जैसे फिट किया, एक अध्याय में फिट किया, अब दूसरी बार जा करके उसमें डेविएट नहीं कर सकते, ये बात है। ठीक है, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौर निताय भगवान की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।